तो साहब काशीराम की वो बात याद आ गई कि भाई गुजरो, तुम्हारे बहुत बड़े बड़े आशियाने हैं, बहुत बड़ी बड़ी कारें हैं, और तुम्हारी मूछें नीचे नहीं होती, लेकिन तुम चमारों से भी नीचे हो। तो एक गुजर आया, उसने कहा आपने ये बात ऐसे कैसे बोल दी। तो साहब काशीराम ने तो कागज दिए और कहा ये लेके जा अपने मोहल्ले में और इनको टेस्ट करवा के ला किसी गजेटेड ऑफिसर से। तो एक घंटा घूम के आया वो और कोई कागज जो है टेस्ट नहीं हुआ। तो फिर साहब ने और निकाले चार पांच कागज, कह रहा ये और लेके जा तुम्हारे के मोहल्ले में जा और टेस्ट करवा के ला। वो सारे टेस्ट करवा लाया। तो तब साहब काशीराम ने कहा कि तुम उनसे नीचे हो या नहीं हो, इस देश में हिस्सेदारी कहां है। और अभी बहन जी ने वाल्मीकि समाज का जिक्र किया, यह अच्छी बात है और वाल्मीकि समाज का इतिहास है। मुझे नहीं लगता यहां पर एक दो वाल्मीकि होगा, एक दो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़े मनुवादी और ब्राह्मणवादी यही है, सबसे बड़े हिंदू कोई है तो यही है। उसका कारण है, मैं बताता हूं आपको। जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था और वहां पर 99 सीट जगह थी मीटिंग में, और अंग्रेज तो रूल के पक्के होते हैं, उन्होंने 99 सीट बिछाई, तो वहां पर जब उन्होंने देखा तो 100 लोग थे। तो उन्होंने अंबेडकर से कहा कि अंबेडकर आप यहां कैसे, कहता उल्लू के पट्ठो, तुमने इन्विटेशन भेजा इसलिए आया हूं और मैं भारत का प्रतिनिधित्व तो करता हूं। तो दूसरी तरफ देखा गांधी बैठा, तो उन्होंने कह रहा गांधी जी आप यहां कैसे, कह रहा क्यों मैं क्यों नहीं आ सकता, मैं भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं। कहते जी आपको तो नहीं बुलाया, कह रहा आप देश में जाकर पूछ लो, मैं भारत का नेता हूं। तो वहां से टेलीग्राम किए गए, उस देश से टेलीग्राम करे गए भारत देश में कि भाई इस देश का नेता कौन है, यहां के लोग बताओ। तो जब यहां पर अनाउंसमेंट हुई, पहले टेलीग्राम होते थे, तार भेजा जाता था, तो लोग टेलीग्राम ऑफिसों की तरफ भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। और जो पंजाब प्रांत है इस देश का, उसके वाल्मीकि टेलीग्राम की तरफ सबसे ज्यादा भाग रहे थे। और उस समय वहां के वाल्मीकियों ने इतने ज्यादा चिट्ठी अपने खून से हस्ताक्षर करके बाबा साहब के लिए भेजी कि हमारा नेता अंबेडकर है, हमारा नेता गांधी नहीं है। तो ये जब ये अंबेडकरवाद और अच्युतानंद का जब ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई चल रही थी, तो एक भगवान पर कटवाई समाज के लिए, उसका नाम वाल्मीकि रखा गया। और आगे आज हम कहते हैं वाल्मीकि, वो कहते हैं कि जी उनके नाम से हम लोग सर्टिफिकेट लेते हैं, नौकरी लेते हैं। अरे 1950 से पहले भी वाल्मीकि था, जब कौन सी नौकरी थी तारी भाई, और जब कौन सा सर्टिफिकेट था तुम्हारे पास। और अब तो इन लोगों ने हनुमान का भी सर्टिफिकेट दे दिया है ना, ये अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों, जब तक इनको मनुवादियों को जाति का फायदा होगा, जब तक ये जातियां बनी रहेंगी, जब इन्हें नुकसान होना शुरू करेगा हो जाएगा, तब ये रामलीला मैदान में खिचड़ी बनानी शुरू कर देंगे ये लोग। तो ये वही लोग हैं। और मैं तो कहता हूं बहन जी ने मुझे गलत कहा कि मैं आम आदमी पार्टी का नेता हूं, मैं इस संविधान की वजह से एमएलए हूं, इस संविधान की वजह से मैं मंत्री था, ये मैं हमेशा मैंने असेंबली में भी कहा था। और दो बातें हो सकती है सनम तेरे करार की, है ना, एक झाड़ू का चिन्ह है जी, ये प्रतीक के बताता है कि चूड़ों के बिना इस दिल्ली में राजनीति नहीं हो सकती, इनके बिना यह सत्ता हासिल नहीं हो सकती। एक नकली झाड़ू वाला सिर्फ फोटो लेकर एक बाणिया और तुमने जो है ना दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। और दूसरी तरफ वो टोपी जो पहन के आया, वो गांधी का प्रतीक है कि मनुवादी व्यवस्था में आपको रखेगा। ये टाई वर्सेस टोपी है भाई, ये समझना पड़ेगा आप लोगों ने। ये केजरीवाल जो मैं कहता हूं इससे बड़ा भ्रष्ट आदमी देश की राजनीति में आज तक नहीं आया। ये कहता है ना कि मैं आईएएस था जी, मैं करोड़ों रुपए कमाता नौकरी छोड़ के आया। इसने देखा कि एक आईएएस करोड़ों कमा सकता है, इसके नीचे कितने आईएएस आएंगे जो ये और ज्यादा करोड़ों कमाएगा, है ना। कांग्रेस के हारे हुए एमएलए को सांसद बना दिया और कुमार विश्वास को लात मार के उसके घर भगा दिया, है ना। कैसे लोग हैं, भीगना है आज आप लोगों ने, भागना नहीं है। अगर जो जो सही लोग हैं ना वही परिवर्तन लाएंगे।